और स्वरज्ञान के लिए जो स्वर हम प्रयोग में ले रहे हैं वो आसावरी थाट के स्वर है। आसावरी थाट में गा, धा और नी, ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग होते हैं। तो आसावरी थाट में हम स्वरज्ञान का रियाज करेंगे और जय हनुमान जय श्री राम का हम उच्चारण करेंगे। तो कैसे आपको ये रियाज करना है, सबसे पहले स्वर को दबाएं, उसको अच्छी तरह से सुने, इसमें आवाज मिलाकर हमें गुनगुनाना है। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये रियाज करना है, उसके बाद में स्वरों को उतार चढ़ाव को समझने के लिए हमें जो रियाज करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि आप बिना स्वरों को क्रमानुसार लगाइए रियाज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सांसें आप रे लगाए, सांसें आप गा लगा सकते हैं, गा से आप मा पे जा सकते हैं, मा से आप नी पे जा सकते हैं या धा पे जा सकते हैं, या मा से आप रे पे वापस आ सकते हैं। तो जो आपका दिल करे वो स्वर आप लगाए और इसके साथ में हमें जय हनुमान जय सिया राम का उच्चारण करना है। दोस्तों आप एक स्वर को दो बार या इससे भी अधिक बार प्ले कर सकते हैं, जहां आपका रुकने का दिल करता है। जिस स्वर पर आप ठहरना चाहते हो, ज़्यादा देर के लिए भी ठहर सकते हो, कम देर के लिए भी ठहर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कोई नियम नहीं है, जैसे गांव में लोग सीखते हैं देसी तरीके से, उसी तरीके से हम हारमोनियम पर स्वरज्ञान सीख रहे हैं। तो रियाज को आगे बढ़ाते हैं। जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट दूर करो, संकट दूर करो, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे संकट काटो बालाजी, संकट काटो बालाजी, संकट काटो बालाजी, संकट काटो, मोरे हनुमान, मोरे हनुमान, मोरे हनुमान, संकट दूर करो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। दोस्तों इससे होगा क्या कि यहाँ से जब आप ये स्वर लगाते हैं तो स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको आप समझ जाएंगे, इस स्वर से इस स्वर की कितनी दूरी है या इससे इसकी कितनी दूरी है। जब आप यहाँ से यहाँ पे वापस आते हो तो इस स्वर से इसका कितना उतार चढ़ाव है, ये जब आप समझ जाते हो तो आपको आसानी से स्वर ज्ञान हो जाता है और स्वरज्ञान की मदद से आप कोई भी गाना या भजन आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों आसावरी थाट में मैंने आपको आज का ये रियाज बताया है। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हनुमान, जय श्री राम।